कोयम्बटूर पुलिस ने मंगलवार को शहर और उसके आसपास के कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अक्का प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में महिला पुलिस अधिकारी अक्सर उन कॉलेजों का दौरा करेंगी जहां कॉलेज की लड़कियों के साथ विश्वास आधारित तालमेल बनाया जाता है और उन्हें अपराध से बचाया जाता है। पुलिस अक्का के नाम से जानी जाने वाली 37 महिला कर्मियों की एक टीम बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत महिला कर्मी शहर के 60 कॉलेजों का दौरा करेंगी और छात्राओं से उनकी समस्याओं को समझेंगी। वही कोयम्बटूर के पुलिस आयुक्त वी बालकृष्णन ने इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ आयुक्तालय में किया। उन्होंने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी हफ्ते में या 15 दिनों में एक बार कॉलेज का दौरा करेंगी। छात्राएं उनसे मिल सकती हैं और अपने मुद्दों पर खुलकर बात कर सकती है। So the youngsters, particularly the college students, girl students and boy students are increasingly getting engaged in social media, and to ensure the safety of the students, particularly the girl children, we have taken up this initiative called Police Akka. Akka means in Tamil sister. So we are nominating one police officer after training them in interpersonal skills to each college, particularly the women's girls colleges and the co-ed colleges, and they will be available there over phone 24/7 for the girl student to share their problem. शुभारंभ के दौरान कोयम्बटूर आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों और 60 कॉलेजों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। आयुक्त ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल को अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। गौरतलब है कि कोयम्बटूर 2022 में भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। 2019 में शहर में अपराध की दर केवल 7.9 थी। बताते चले कि अपराध दर हर 1,00,000 जनसंख्या पर दर्ज अपराधों की संख्या है। 2019 में शहर में दर्ज अपराधों की संख्या 85 थी। इतनी कम अपराध दर का मुख्य कारण ये है कि लोग अपराध को लेकर कितने सजग हैं। लोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अधिक सावधान रहते हैं और समस्या आने पर मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। वही कोयम्बटूर पुलिस की ये मुहिम भी महिला सुरक्षा में एक कारगर कदम साबित हो सकती है। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।